चलो ओके NS3 वाला जो स्ट्रक्चर है उस चीज का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे अभी, और उसके बाद कुछ हम लोग फिर पाई बॉन्ड्स वाले पार्ट की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में एक दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उन सबको भी वहीं पे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहले जैसे अगर हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें, तो सबसे पहला काम जब भी कभी हम लोगों को ऑर्बिटल्स वाले पार्ट के ओवरलैपिंग वाले पार्ट को निकालना होगा, तो सबसे पहले तो ये चेक करना कि हम लोगों के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और तीन हाइड्रोजन दे रखे, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये सबसे पहला पार्ट। उसके बाद ये देख लेना नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, मतलब बेसिकली सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल वाले पार्ट में क्या इलेक्ट्रॉन दे रखे है। तो 2s2 2p3 वाले पार्ट के हिसाब से अगर हम लोग काम करें, तो इसका मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि 2s वाले पार्ट में अपने पास दो इलेक्ट्रॉन्स है और 2p वाले पार्ट में टोटल तीन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास कोवेलेंसी तीन होना चाहिए, कोवेलेंसी यहाँ पे मॉलिक्यूल में तीन होना चाहिए, और कोवेलेंसी तीन मिल भी सकता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन है। तो अपना जो काम होना है वो बेसिकली हो ही रखा है। तो अगर हम लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, मतलब एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेंगे, तो आराम से ये चारों ऑर्बिटल मिक्सिंग में लेके जा सकते हैं। जब चारों ऑर्बिटल्स को हम लोग मिक्सिंग में लेके जाएंगे, तो उस केस में इन चारों ऑर्बिटल के मिक्सिंग से हम लोगों को चार ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन मिलेगा। उन चारों ऑर्बिटल्स को हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से आराम से मेंशन कर सकते हैं। मतलब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जब मिक्सिंग में जाएंगे, तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और जो डायग्राम अपना है इसमें टोटल पांच इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर पांच इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वाला पार्ट है वो लोन पेयर तो इस फोर्थ बार इलेक्ट्रॉन को ऐसा क्यों ड्रॉ किए? तो क्या पता फोर्थ इलेक्ट्रॉन को उल्टा स्पिन से क्यों ड्रॉ किए? नहीं गड़बड़ हो गया होगा, हम शायद उल्टा फर्स्ट वाले में करने वाले थे, फोर्थ वाले में कर दिए। चलो जो लोन पेयर वाला पार्ट है वो लोन पेयर वाला पार्ट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। जैसे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। नॉर्मली जब हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की बात करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अगर लोन पेयर को लेके जा चुके हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जा चुके हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ही हम लोग के लोन पेयर वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हो सकता है ऐसा सवाल पूछा भी जा सकता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में या फिर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये चीजें आराम से पूछी जा सकती है। तो इस केस में एक तो ये पार्ट अपना स्ट्रक्चर का निकल के आ गया। उसके बाद जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, तो पहले हाइड्रोजन वाले पार्ट का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, मतलब 1s का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आराम से sp3 के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन के 1s का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जाएगा, और तीसरे हाइड्रोजन वाले पार्ट का भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड बॉन्ड के फॉर्मेशन में आराम से जा सकता है। तो इसको देख के कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग का जब शुरू में चार ऑर्बिटल्स आया, तो चार ऑर्बिटल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल शेप वाले पार्ट में अरेंज होना चाहिए, ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट में लोन पेयर होगा और बाकी सारे के सारे पार्ट हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करके आराम से बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते चले जा रहे हैं। ये अपना बेसिक पार्ट होगा अगर हम लोग अमोनिया कंसिडर करके चले। तो अब इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट और होगा जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारे बेसिक नॉलेज या फिर क्या बोल सकते हैं लॉजिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो एस ऑर्बिटल मैं 2s और 2p की बात करते हैं, तो 2s ऑर्बिटल और जो 2p ऑर्बिटल है, मतलब अगर हम लोग s और p ऑर्बिटल को मिक्सिंग में लेके जा रहे हैं, तो 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल इन दोनों का एनर्जी सेम नहीं होता है। शायद ध्यान होगा अगर n का वैल्यू सेम होगा तो हम लोग n+l रूल के हिसाब से सब शेल का एनर्जी और ऑर्बिटल का एनर्जी निकालते हैं। तो इस केस में n+l रूल के अकॉर्डिंग एस का एनर्जी सबसे कम होगा, फिर पी वाले पार्ट का, फिर डी वाले पार्ट का, फिर एफ वाले पार्ट का। ये अपने एनर्जी का नॉर्मल ऑर्डर निकल के आना चाहिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज डिस्कस किया भी था, जैसे 2s है तो उसका एनर्जी थोड़ा
कम होगा, फिर 2p का एनर्जी थोड़ा हायर होना चाहिए। तो जैसे लॉजिकली भी ये चीज बोला जा सकता है कि अगर हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब 2s और 2p के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो मिक्स्ड ऑर्बिटल आएगा उसका एनर्जी इन दोनों वाले पार्ट के बिल्कुल बीच में कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जैसे मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मान लो एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या होता है, हमेशा एवरेज लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का वैल्यू होता है। दो और चार का एवरेज निकालते हैं तो 3 आता है, दो और छह का एवरेज निकालेंगे तो 4 निकल के आएगा। मतलब एवरेज वैल्यू हमेशा लोअर और अपर लिमिट के बीच में होता है। तो मिक्सचर का मतलब बेसिकली एक एवरेज है। तो इस केस में जो 2s का एनर्जी होगा और जो 2p का एनर्जी होगा, हम लोगों का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आएगा उन सब का एनर्जी इन सब के बिल्कुल बीच में कहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। आज तक इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर सवाल नहीं पूछा गया है, हम भी इस तरह कंसेप्ट डिस्कशन नहीं करते हैं कभी भी, बट इस चीज का ध्यान रखना आज तक सवाल नहीं पूछा गया है। तो इस तरह का सवाल फ्रेम करके आराम से पूछा जा सकता है जी एडवांस में, कब पूछेगा ये बस सोचने की बात है, बट नॉर्मली पूछा जा सकता है इस तरह का कंसेप्ट। और एक बार जी एडवांस पूछ लिया तो उसके एक दो साल के बाद नीट या फिर जी मेंस में भी पूछना शुरू कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का कि हम लोग जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे तो एस जो मिक्सिंग में गया और पी जो मिक्सिंग में गया, अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी उसके बीच में कहीं पे निकल के आना चाहिए। खैर, हम लोग आते हैं उस चीज पे। जैसे लास्ट क्लास में कुछ कुछ कंसिडरेशन जब हम लोग लेके चल रहे थे, जैसे तुम लोग को याद होगा कि हम लोग जब बोरोन वाले पार्ट की बात कर रहे थे, तो बोरोन वाले पार्ट में जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लेके चले थे, मान लो BH3 मॉलिक्यूल में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। sp2 का मतलब बोरोन का 2s किसी दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में चला गया, तो यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आराम से बन गया। तो अगर sp2 बना है, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल खाली भी तो है। तो अगर अपना एक p ऑर्बिटल खाली है तो इसका मतलब ये है कि पहले तो हम लोगों के पास 2s ऑर्बिटल था, उसके अलावा 2p वाला पार्ट भी 3 ऑर्बिटल दे रखा था, तो हम लोग दो को मिक्सिंग में लेके चले गए, तो एक तो हम लोगों के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा 3 sp2 वाले पार्ट का, और जो एक p ऑर्बिटल है ये पहले जहाँ था एग्जैक्टली मान के चल सकते हैं कि वहीं वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़े लोअर एनर्जी पे होंगे और एक p ऑर्बिटल वाला पार्ट हायर एनर्जी पे जो निकल के आना चाहिए वो हायर एनर्जी पे ही एग्जिस्ट करेगा। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो जैसे अमोनिया का जो बॉन्डिंग कराए उसमें बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, लोन पेयर विल एग्जिस्ट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बाकी शेप वगैरह तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक लोन पेयर है sp3 वाले पार्ट में, इसका मतलब हम लोग ट्रायगोनल पिरामिडल शेप वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अभी तक हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड से एसोसिएटेड था, तो एक काम करते हैं पाई बॉन्ड वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो शायद से CH4 मॉलिक्यूल BCl2 BH2 और BCl3 वाला पार्ट डिस्कस किया था, और NH3, मतलब टोटल 4 मॉलिक्यूल डिस्कस कर चुके थे। पांचवा कोई मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं, मान लो CO2 की बात करते हैं। अगर CO2 मॉलिक्यूल में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करना है तो क्या करेंगे, या फिर बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग हम लोग किस किस ऑर्बिटल्स का कराएंगे। तो जैसे इस चीज को थोड़ा ढंग से समझना, मोस्टली इसमें पाई बॉन्ड का ही कंसिडरेशन होगा जिसको हम लोग बिना ऑर्बिटल डायग्राम के भी निकाल पाएंगे, हम लोग को ऑर्बिटल डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। पहला काम लेविस स्ट्रक्चर बनाना है ताकि हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाए। हाइब्रिडाइजेशन sp निकल के आएगा, और sp का मतलब लीनियर शेप है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि हम लोगों का एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ मिक्सिंग में जा रहा है। पहला चीज, कार्बन में 2s2 2p2 हाइब्रिडाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2s वाले पार्ट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p वाले पार्ट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट हम लोगों का जो कोवेलेंसी वाला पार्ट है इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 होगा। तो अगर कोवेलेंसी 4 है तो हम लोगों को पहले तो कोवेलेंसी 4 निकाल के लाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ग्राउंड स्टेट वाले पार्ट से एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, तो 2s वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले पार्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद फिर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp,
अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एसपी वाला पार्ट थोड़े लोअर एनर्जी पे होगा विद वन इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था तो दोनों मिला करके फिर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन अलग से मेंशन भी कर दिए। और जो अपने प्योर पी ऑर्बिटल थे ये थोड़े हायर एनर्जी पे हैं विद वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है बट थोड़े हायर एनर्जी पे होगा। हम लोग दिखाते इसको एक ही बराबर है हमेशा, लेकिन रहेगा ये थोड़े हायर एनर्जी पे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो अब हम लोग ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोग के पास 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है। 2s2 2p4 होने का मतलब 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p वाले पार्ट में टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में है, दूसरा तीसरा हम लोग सेकेंड में डाल देते हैं और अगला इलेक्ट्रॉन फिर फोर्थ ऑर्बिटल में डाल देते हैं, ताकि हम लोग का डायग्राम बनाना थोड़ा आसान हो जाए, लोग आराम से चीज़ों को कंसिडर कर पाए। तो इस केस में कोई भी दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसके बाद कोई भी दो एटम्स के बीच में जो दूसरा बॉन्ड होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड होता है। तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बन चुका, अब हम लोग पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, तो आराम से इस साइड के ओवरलैप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो सेम टाइप का कंसिडरेशन हम लोग दूसरे ऑक्सीजन के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हम थोड़ा ऊपर ही बना देते हैं। तो दूसरा ऑक्सीजन वाला पार्ट ऊपर एग्जिस्ट कर रहा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरे में पेड इलेक्ट्रॉन, तीसरे में वापस से अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जो दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस चीज को हम लोग आराम से पाई बॉन्ड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो कार्बन वाले पार्ट के हम लोग ऑर्बिटल्स की जो बात कर रहे थे उसके साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन किया तो पहला सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर दूसरा उसी ने एक पाई बॉन्ड बनाया, फिर जब दूसरा ऑक्सीजन कंबाइन किया तो भी पहला सिग्मा बॉन्ड बनाया और दूसरा पाई बॉन्ड बनाया। सवाल अगर पूछेगा तो दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये पूछेगा कि जो सिग्मा बॉन्ड बना उसका नेचर बताओ। तो जब भी ये टर्म नेचर बोलेगा मतलब हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं इसकी बात करेंगे। तो कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन वाले पार्ट का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, मतलब कार्बन वाले पार्ट का sp तो था ही बट ऑक्सीजन में कोई मिक्सिंग नहीं है। ऑक्सीजन वाले पार्ट का जो प्योर p ऑर्बिटल है, तब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों 2p ऑर्बिटल में है, तो जो प्योर p ऑर्बिटल है एग्जैक्टली वही चीज ओवरलैपिंग में जा रहा है। ज्यादा प्रिसाइज भी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग sp में और 2p ऑर्बिटल में ओवरलैप करा रहे हैं। तो दो सिग्मा बॉन्ड दोनों में सेम कंसिडरेशन है, तो दो सिग्मा बॉन्ड दोनों में सेम कंसिडरेशन हम लोग लेते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इसमें एक और चीज है पाई बॉन्ड वाला पार्ट। जब पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड वाले पार्ट में कंसिडरेशन ये ले सकते हैं कि हम लोग का जो कार्बन था उस कार्बन वाले पार्ट में पी ऑर्बिटल खाली रह गया था और लास्ट क्लास में बताया भी था कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता एक्सेप्ट बेंजाइन मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल को छोड़ के पाई बॉन्ड हमेशा प्योर पी ऑर्बिटल या प्योर डी ऑर्बिटल ही बना सकते हैं। तो जैसे जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ था तो sp हाइब्रिडाइजेशन आया था, मतलब दो पी ऑर्बिटल खाली रह गए थे जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, और अगर दो पी ऑर्बिटल खाली है तो एक पी ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन वाले पार्ट के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जो पहला पाई बॉन्ड है वो कार्बन वाले पार्ट के पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के भी पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। तो इस केस में पीपी ओवरलैप है, इसी चीज को हम लोग पी पाई बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं या फिर पीपी पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और ज्यादा प्रिसाइजली 2p 2p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ऐसा बोल सकते हैं। दूसरे केस में भी कोई डिफरेंस तो नहीं था एक्चुअल में, सेकंड वाला जो पाई बॉन्ड ऊपर बना था तो वो भी पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही बना है, बिल्कुल साइड में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो सेकंड वाला पाई बॉन्ड भी पी पी पाई बॉन्ड बन रखा है या फिर
पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, या फिर इसी चीज को टू पी पाई बॉन्ड भी आराम से बोल सकते हैं। ये हम लोग के पाई बॉन्ड वाले पार्ट को बनाने का नेचर हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाते वक्त क्या होगा और पाई बॉन्ड वाले पार्ट को बनाते वक्त क्या होगा। इसी चीज को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करने का मतलब जैसे हम लोग और मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर सकते हैं ज्यादा डिटेल में। मान लो हम लोग एग्जाम्पल 6 में SO3 लेके चलते हैं, तो पहला कंसिडरेशन सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्बिटल वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो सल्फर 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइब्रिडाइजेशन मेरे हिसाब से sp2 होना चाहिए और कोवेलेंसी वाला पार्ट 6 होना चाहिए। सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर वाले पार्ट में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है, तो ऑक्सीजन में 2s2 2p4 था, तो सल्फर में 3s2 3p4 होना चाहिए। तो इस केस में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 3p वाले पार्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब हम लोग को कोवेलेंसी 6 चाहिए तो इतने से तो काम नहीं चलेगा, तो हम लोग आराम से 6 कोवेलेंसी के लिए दोनों के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठा के हायर ऑर्बिटल में डाल लेंगे। तो पी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो बचा क्या अपने पास, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला पार्ट खाली है। तो हम लोग जो दो पेयर्स हैं दोनों को ब्रेक कर देते हैं और हम लोग सीधा एक्साइटेड स्टेट 2 वाले पार्ट में चले जाते हैं। तो जब एक्साइटेड स्टेट 2 में जाएंगे तो 3s में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3p वाले पार्ट में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन सब में, और उसके अलावा 3d वाले पार्ट में भी हम लोगों के पास आराम से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पहला चीज हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपना, तो sp2, अगर sp2 है तो एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ तो इस केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट में 3 ऑर्बिटल्स थे, ये सबसे लोअर एनर्जी पे होंगे और तीनों में हम लोग एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। एक पी ऑर्बिटल खाली था वो थोड़े हायर एनर्जी पे होगा विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जो डी ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल से भी हायर एनर्जी पे होता है। तो ये पार्ट को हम लोग और भी ज्यादा हायर एनर्जी पे डालते हुए काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन के बाद का नॉर्मली ऑर्बिटल का डायग्राम होना चाहिए। बट हम लोग अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एक ही लाइन में लिखते हैं ताकि कंसिडरेशन थोड़ा आसानी से समझ में आए, तो ऐसा कर सकते हैं। हम इसको एक ही लाइन में लिख रहे हैं। पहले तो हम लोग का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, फिर उसके बाद एक p ऑर्बिटल वाला पार्ट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग आराम से d ऑर्बिटल वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो p ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अब हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों का 3 ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, तीनों के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड होना ही होना है। तो हम लोग सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हम नीचे के डायग्राम मेंशन कर रहे हैं थोड़ा। ऐसा डायग्राम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, ऑक्सीजन वाले पार्ट में O1 उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम का पार्ट मेंशन कर सकते हैं। फिर मान लो दूसरा ऑक्सीजन अगर कंसीडर करके चले तो दूसरा ऑक्सीजन किसी दूसरे कलर से मेंशन कर लेते हैं, एक और ऑक्सीजन वाला पार्ट हो गया, तो दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा और बाकी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट विद ऑपोजिट स्पिन। और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कुछ ऐसा लेते हुए आराम से चल सकते हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अपना बेसिक डायग्राम होना चाहिए। एक सेकंड, ये अपना बेसिक डायग्राम होना चाहिए। अब इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा इस पॉइंट का ध्यान रखना है। आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ये लास्ट क्लास में बोला था मैंने, फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। पाई बॉन्ड्स आर प्रेफरेबली फॉर्मड बाय ऑर्बिटल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, मतलब जो ऑर्बिटल्स सबसे हायर एनर्जी में होंगे preferably पाई बॉन्ड उनके साथ फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग उस स्टेटमेंट की बात करें कि जो ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी में होंगे preferably वही पाई बॉन्ड बनाएंगे, मतलब सबसे पहले पाई बॉन्ड ये डी ऑर्बिटल बनाना चाहेगा क्योंकि सबसे हायर एनर्जी पे है, फिर पी का नंबर आएगा
और sp3 तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसको सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज करते हुए काम कर सकता है। तो सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो कि हम लोग यहाँ से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, ये पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे सिग्मा बॉन्ड की बात कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग थर्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आराम से तीसरे वाले पार्ट से कर सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, बट इसके बाद जब हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो पहले पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो जैसे दोनों डी ऑर्बिटल तो सेम एनर्जी पे है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए पहला जो अपना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है वो हम लोग डी ऑर्बिटल के साथ कराएंगे। दूसरा जो अपना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है वो भी हम लोग डी ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ ही कराएंगे। तब जाके जो थर्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना होगा हम लोगों को, उस चीज को हम लोग पी ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ ओवरलैपिंग कराते हुए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। जैसे सवाल को कंडीशनल फॉर्म में डाला जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फर्स्ट या विल अंडरगो फॉर विल पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन फर्स्ट, तो उस केस में पहले हम लोग डी ऑर्बिटल वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, तब जाके हम लोग पी वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए काम करेंगे। और इसमें ये चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे डायग्राम को अगर ढंग से देखो तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बना था, बट उसके अलावा क्या था, उसके अलावा 3p ऑर्बिटल था और 3d ऑर्बिटल था। तो जब हम लोग नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में तीन सिग्मा बॉन्ड था, तीनों सिग्मा बॉन्ड में पहला सिग्मा बॉन्ड sp2 और ऑक्सीजन के 2p के ओवरलैप से था, दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी सल्फर के sp2 और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से था, तीसरा सिग्मा बॉन्ड भी सल्फर के sp2 और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से था। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड का नेचर आएगा। पाई बॉन्ड जो ऑक्सीजन 1 के साथ बना, मान के चलते हैं कि नीचे वाला पार्ट ऑक्सीजन 1 है, फिर उसके ऊपर यहाँ ऑक्सीजन 2 है और जो ग्रीन वाला पार्ट है ऑक्सीजन 3 है। तो इस केस में जो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन 1 का बना, इस चीज के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन वाले पार्ट का 2p ऑर्बिटल लगा हुआ है और सल्फर वाले पार्ट का हम लोग 3d कंसिडर कर रहे हैं। तो 2p 3d पाई बॉन्ड, या फिर इसी चीज को हम लोग p पाई d पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ये नाम याद रखना होगा, p पाई d पाई बॉन्डिंग, ठीक है, 2p पाई 3d पाई या 2p 3d पाई या p पाई d पाई बॉन्डिंग। फिर उसके बाद अगर पाई बॉन्ड O2 के साथ कंसिडर करें तो भी उस केस में हम लोग आराम से पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोल सकते हैं, बट जब हम लोग पाई बॉन्ड ओ थ्री के साथ कंसिडर करेंगे तो जो ग्रीन वाला पाई बॉन्ड है उस केस में पी पाई बॉन्ड निकल के आना चाहिए। तो उस केस में दोनों नाम यूज कर सकते हैं, पी पाई बॉन्ड या पी पी पाई बॉन्ड, और ज्यादा प्रिसाइजली 2p 3p पाई बॉन्ड कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड का नेचर बनाना है, ये सवाल थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और कभी भी इतना डिटेल स्ट्रक्चर मत रखना, इतना डिटेल के साथ हम लोग काम नहीं करते हैं। करना क्या होता है, इस चीज का ध्यान दो, सल्फर के साथ तीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ऐसा बना दो, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2, तो इससे एक चीज तो मालूम पड़ गया कि हम लोग का दो पी ऑर्बिटल खत्म हो चुका है। कितना पी ऑर्बिटल होता है, तो तीन, तीन पी में से दो पी ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में जा चुका है, तो इसका मतलब एक पी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। और पाई बॉन्ड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब सल्फर जो तीन पाई बॉन्ड्स बना रखा है, या इधर पी ऑर्बिटल से बनाएगा या डी ऑर्बिटल से बनाएगा, एफ ऑर्बिटल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो इधर पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल, तो एक पाई बॉन्ड तो एक पी ऑर्बिटल बना लेगा, लेकिन अब पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब जो अपने तीन पाई बॉन्ड थे, इसमें से एक पाई बॉन्ड हम लोग सल्फर के 3p से बना सकते हैं, बट इसके अलावा अब पी ऑर्बिटल खाली नहीं रह गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग 3d वाले पार्ट को यूज करें। और ऑक्सीजन को जब कंसिडर करेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है 2p के अलावा, तो इस केस में आराम से हम लोग हर एक केस में ऑक्सीजन वाले पार्ट में 2p को ही कंसिडर करते चलते रहे। जैसे अगर मान लो ऑक्सीजन के जगह सल्फर होता, तो सल्फर में थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 3p कंसिडर करते हुए चलते, बट ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन में तो 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आराम से 2p कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। तो करना क्या होगा, पहला काम हाइब्रिडाइजेशन, देखो जितने पी ऑर्बिटल्स खत्म हो गए उसको छोड़ो, जो बच गया
उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड है वो डी ऑर्बिटल की तरफ से डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल वाले पार्ट मतलब पी ऑर्बिटल जितना बच गया वो अपने पी पाई बॉन्ड में चला गया, बाकी जो रिक्वायर्ड है वो डी ऑर्बिटल वाले पार्ट की तरफ से हम लोग आराम से फुलफिल करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये एग्जाम्पल होता SO2, तो सल्फर के साथ दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, तो लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो दो तीन चीजें यहाँ पे, पहला सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन वाले पार्ट का हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो 2p ऑर्बिटल। तो दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों sp2 एंड 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप्स है, पहला चीज। लोन पेयर के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो लोन पेयर हमेशा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, मतलब लोन पेयर वाला पार्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ये भी हम लोग डायरेक्टली बोलते हुए काम कर सकते हैं, सेकंड पार्ट। उसके बाद जब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो थर्ड वाले केस में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है, तो मान लो इसमें दो पाई बॉन्ड्स ले लेते हैं ऑक्सीजन वन एंड ऑक्सीजन टू का, तो हम लोग का जो फर्स्ट पाई बॉन्ड है अगर वो कंसिडर कर रहे तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब तीन में से दो p ऑर्बिटल खत्म हो चुका, तो बचा एक p ऑर्बिटल सल्फर पे, तो सल्फर वाले पार्ट का तो हम लोग के पास 3p ऑर्बिटल ही ऑप्शन है, बट ऑक्सीजन के पास तो केवल सेकेंड पीरियड है तो 3p ऑप्शन हो नहीं सकता, तो 2p 3p पाई बॉन्ड। और अगर पाई टू की बात करें तो दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में चला गया, तो बचा क्या हुआ अपने पास, तो d ऑर्बिटल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इस केस में 3d ऑर्बिटल और उसके अलावा क्या बचेगा, तो ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल, तो 3d 2p पाई बॉन्ड आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जो डायग्राम है, इतना सारा जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाया है, इतना बनाने की जरूरत नहीं होती, इतने के बिना भी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर नेचर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है तो डायरेक्टली भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख के और थोड़ा दिमाग चला करके आराम से आंसर निकालते हुए काम कर सकते हैं, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को, ठीक है। ये सब तुम्हारे नोट कॉपी में शायद दे भी रखा है, या शायद ये एग्जांपल नहीं दे रखा होगा हुआ होगा, तो हो सकता है आगे वाले पार्ट में कुछ एग्जांपल दे रखे होंगे, बट मेरे हिसाब से एग्जांपल दे रखे होंगे, हम ये पीडीएफ भी तुम लोग को भेज देंगे, इसको अपने पास सेव करके रखना ताकि ऑर्बिटल डायग्राम का ये पार्ट आसानी से समझ पाए। जैसे एक सवाल का जवाब दो, खुद से सोच देना, फाइंड द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इन POCl3 C2H2, C2H2 को हम लोग इथाइन भी बोलते हैं, HNO3 XCO2 F2, find the nature of pi bond, sigma bond की जरूरत नहीं, केवल pi bond वाले पार्ट को बताना है।
पहले वाले केस को जब कंसिडर करेंगे तो POCL3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन SP3 आएगा तो 2P3D होना चाहिए, 2P3D5 bond। दूसरे वाले केस में 2P 2P के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कार्बन वाला पार्ट दोनों 2P का ही एलिमेंट है, तो 2P3 3 वाले पार्ट में तो जा ही नहीं सकते, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेम चीज HNO3 में भी होगा, 2P 2P। इसमें एलिमेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन में चेक करने की जरूरत है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो 3 वाले पार्ट में तो जा ही नहीं सकते, तो 2P 2P के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आइदर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो 2P से ही बनेगा, बिल्कुल फिक्स है। HCO2F2 अगर बनाएंगे तो HCO2F2 वाले पार्ट में एक लोन पेयर भी होता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में SP3D होना चाहिए। और ज़ेनॉन वाले पार्ट को जब कंसिडर करते हैं तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन, इसका मतलब फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। अगर फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो पी ऑर्बिटल तो खाली नहीं है, अगर पी ऑर्बिटल खाली नहीं है इसका मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग के पास 5D के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑक्सीजन वाले पार्ट को तो 2P में ही रखेंगे। तो पहला पाई बॉन्ड 5D 2P, फिर 2P 5D, और दूसरा पाई बॉन्ड भी 2P 5D के ही ओवरलैप से बनेगा। यही हम लोग पाई बॉन्ड का नेचर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आना चाहिए, बट क्वेश्चन में अगर पाई बॉन्ड का नेचर पूछेगा तो इतनी की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आराम से काम कर सकते हैं हम लोग। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर हम लोग नोट्स पे वापस से दोबारा बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं क्या टॉपिक आगे है, ये शायद से काफी सारे टॉपिक हो चुके हैं तुम लोग का। अच्छा हाँ, कुछ ऑर्बिटल डायग्राम और होगा, ऑर्बिटल डायग्राम में पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा, 2-3 डायग्राम। चलो 2-3 डायग्राम और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, अगर कहाँ नोट्स गायब हो गया। जो ऑर्बिटल डायग्राम वाला पार्ट है उसमें 2-3 एग्जांपल्स हम लोगों को और कंसिडर करना है, और दोनों 3 एग्जांपल्स का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना। इससे एक तो सिंपल सा केस होगा, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर दिया था, 6, ओके 7 नंबर वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। एक तो हम लोग इथीन मॉलिक्यूल ले सकते हैं, और इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसको हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे, वहां पे ऑर्बिटल डायग्राम वाला पार्ट थोड़ा अपने काम का होगा। ठीक है, तो एक तो C2H4 में ये मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे दो सेंट्रल एटम है, तो अगर दो सेंट्रल एटम है तो क्या होगा भाई, तो फिर दोनों सेंट्रल एटम के हिसाब से काम करना पड़ेगा अपने को। पहला पार्ट कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन SP2, और दूसरे वाले पार्ट में भी SP2 ही है। तो कार्बन वाले पार्ट में अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कोवेलेंसी 4 है, अगर कोवेलेंसी 4 है तो डेफिनेट सी बात है कार्बन वाले पार्ट में जो 2s का इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटेड स्टेट में डालना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो उस केस में 2s का 1 इलेक्ट्रॉन और 2p वाले पार्ट का 3 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके काम कर सकते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग आराम से sp2 में इस चीज को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे अगर दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और दोनों में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन वाले पार्ट में हम लोग को सिग्मा बॉन्ड का भी ध्यान रखना है और पाई बॉन्ड का भी ध्यान रखना है। तो कैसे रख सकते हैं, कैसा कंसिडर कर सकते हैं,
जैसे पहला जो कार्बन था उसमें हम लोगों के पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा एक पी ऑर्बिटल वाला पार्ट था जिसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। सिमिलर टाइप से जो दूसरा हम लोगों का कार्बन कार्बन वाला पार्ट है उसमें भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा अपोजिट स्पिन के साथ रख लेते हैं, और इसके अलावा एक पी ऑर्बिटल वाला पार्ट प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा। तो पहला चीज, पहला कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और उसके अलावा दो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, तो हम लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है ये पार्ट को हम लोग आराम से पहले तो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि तो दोनों कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जो सिग्मा बॉन्ड के लिए चला गया। तो सिग्मा बॉन्ड का जो नेचर है कार्बन कार्बन का, ये sp2 ओवरलैप से बना है, पहला डायग्राम ये कंसिडर कर लिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अपना जो हाइड्रोजन है पहले वाले कार्बन को अगर कंसिडर करें तो पहले कार्बन के ऑर्बिटल के साथ sp2 ऑर्बिटल के साथ हम लोग अपने कार्बन वाले पार्ट के 1s को ओवरलैप करा रहे हैं। तो यहाँ से जो कार्बन का और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 और 1s ओवरलैप से बन गया। फिर एक और हाइड्रोजन फिर से बॉन्ड में गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट के बेसिस पे, यहाँ पे एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलर टाइप से नीचे भी कार्बन 2 के साथ एक हाइड्रोजन विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस बार पॉजिटिव स्पिन लेना पड़ेगा और उसके साथ एक ओवरलैप कंसिडर किए और दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट वाले पार्ट को दूसरे ओवरलैप के लिए कंसिडर किए। ये सब तो अपने सिग्मा बॉन्ड के लिए बन गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आराम से एक कार्बन के 2p को दूसरे कार्बन के 2p के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन 2p 2p से बना है ऐसा बोल सकते हैं। ये तो हम लोग पहले भी बोल सकते थे, इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, बट एक कंसिडरेशन और है यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर चीज देखो, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किए तो 3p में से एक ऑर्बिटल px है, दूसरा py है और तीसरा pz है। अगर मान के चले कि हाइब्रिडाइजेशन में s के साथ px और py चला गया, तो तुम लोग ये पहले भी डिस्कस किया था कि px py चला गया इसका मतलब जो ट्रायंगुलर प्लेन आएगा वो xy डायरेक्शन में आएगा, मतलब xy प्लेन की बात कर रहे हैं। तो जो हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो xy डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड वाले पार्ट के फॉर्मेशन के लिए फिर pz ही अवेलेबल है, और 2pz हमेशा सामने पैरेलल ओवरलैप करने के लिए 2pz के साथ ही ओवरलैप करेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जिस डायरेक्शन में बन रहा था पाई बॉन्ड वाला पार्ट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन रहा है, एक्स वाई जेड सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो एक्स वाई प्लेन तो अपना प्लेन बन गया और पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये प्लेन एक है, मान लो ऐसा प्लेन है, तो हम लोग उसके परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करते हुए काम कर रहे हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब होगा क्या, इसको डायग्राम के साथ मेंशन करते हैं। जैसे कार्बन वाले पार्ट के साथ कार्बन और इसके अलावा दो हाइड्रोजन दोनों पे है, तो पहले वाले केस में जो तीन सिग्मा बॉन्ड है, कौन से सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो तीन सिग्मा बॉन्ड जो ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बना रहा है वो ये पार्ट है, ये पार्ट एक्स वाई प्लेन में होगा। चलो मान लेते हैं कि पहले वाले केस में तो एक्स वाई प्लेन था, दूसरे का हम कैसे पता चेक करेंगे कि एक्स वाई प्लेन है कि नहीं है। तो ऐसा बोल सकते थे ना कि पहले वाले में एक्स वाई प्लेन था, इसका मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए पीजेड ऑर्बिटल ही बाकी था। तो C1 का पीजेड ऑर्बिटल C2 के अगर C2 वाले पार्ट के साथ पाई बॉन्ड बनाना चाहता है तो C1 के पीजेड को C2 के पीजेड के साथ ही ओवरलैप करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड के लिए हम लोगों को C2 का भी पीजेड ही चाहिए। तो C2 का भी पीजेड ऑर्बिटल खत्म हो गया, तो C2 वाले पार्ट में भी एक्स और वाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है हाइब्रिडाइजेशन में। इसका मतलब ये है C2 में भी एक्स वाई प्लेन ही निकल के आएगा। तो पहले का प्लेन अगर एक्स वाई है तो दूसरे का भी एक्स वाई निकल के आ गया, पहले का अगर एक्स जेड होता तो दूसरे का ये बाय डिफॉल्ट एक्स जेड होता। कंसिडरेशन लेके देख लेते हैं, जैसे मान लो पहले का प्लेन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो कंसिडर कर रहे थे तो एक्स के साथ px और pz ले लेते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये तीन पार्ट गए तो पाई बॉन्ड py बना पाएगा, तो पहले वाले के ट्रायंगुलर वाले पार्ट का प्लेन एक्स जेड निकल के आएगा,
मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी वाई अवेलेबल है, और ये पैरेलल ओवरलैप पी वाई के साथ ही करेगा, किसी दूसरे के साथ नहीं कर पाएगा। तो अगर सी टू का पी वाई भी खत्म हो गया, तो सी वन सी टू दोनों का पी वाई खत्म हो गया, तो सी टू वाले पार्ट को भी हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए यही मिक्सिंग यूज करना पड़ेगा, मतलब एक जेड प्लेन ही निकल के आएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जो सी टू के अलॉन्ग ट्रायंगुलर प्लैनर स्ट्रक्चर है, ये भी एग्जैक्टली सेम प्लेन में निकल के आएगा जैसा पहला वाला प्लेन था। तो सारे एटम इंक्लूडिंग कार्बन हाइड्रोजन सब एक ही प्लेन में आ गए, एक जेड प्लेन में। तो ऐसा हम लोग इस डायग्राम को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं कि हम लोगों का जो डायग्राम है तो अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का कंसिडर किया जा सकता है कि हम लोगों का जो पूरा मॉलिक्यूल है वो इस एक प्लेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक सिंपल तो हम लोग का डायग्राम इस तरह के प्लेन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। तो ये तो अपना मॉलिक्यूल का प्लेन हो गया, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के प्लेन में पाई बॉन्ड को भी डिनोट करना है, तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे इस एक डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, क्योंकि इस डायग्राम को हम लोग आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में यूज करेंगे। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग इसके प्लेन वाले पार्ट की बात करें तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं पूरा का पूरा एक ये सिंगल प्लेन में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा, जिसमें कार्बन वाले पार्ट बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे विद सिग्मा बॉन्ड। उसके अलावा जो हाइड्रोजन वाले पार्ट है वो इसी के बिल्कुल कॉर्नर वाले पार्ट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लोग इस चीज को थोड़ा थ्री डायमेंशन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्लेन दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल मॉलिक्यूल एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब मेरे हिसाब से एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा पार्ट एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर सारा पार्ट एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब एक रेक्टेंगल बना पाना बिल्कुल आसान काम होगा, ऐसा हम लोग रेक्टेंगल कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और इस रेक्टेंगल में दो कार्बन बीच में होंगे, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके अलावा दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो दोनों कार्बन से अटैच्ड है वो एग्जैक्टली अपने रेक्टेंगल वाले पार्ट के कॉर्नर वाले पार्ट पे एग्जिस्ट करेंगे, और रेक्टेंगल का प्लेन हमको जो भी बनाना है तो हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक तो ये पार्ट हो गया जिसको हम लोग डायग्राम के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। फिर जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और पाई बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओवरलैप करता है। तो पाई बॉन्ड को हम लोग इस टाइप से ऊपर और नीचे, अरे पाई बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, अरे पाई बॉन्ड वाले पार्ट को इस तरीके से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओवर, चलो ध्यान दो, पाई बॉन्ड वाले पार्ट को पाई बॉन्ड इस तरह ऊपर और नीचे, अरे यार उससे कंट्रोल उधर मेंशन किया था, इसे यहाँ साइड में कंट्रोल है जो होता है वन नोट में, कि जब ये कंट्रोल हम यूज करके रखेंगे तो जैसे ही हम कुछ भी शेप बनाएंगे तो अपने आप से वो रेगुलर शेप में हो जाता है, सर्कल है तो सर्कल अपने आप से सर्कल बन जाएगा, मतलब तो हमको एकदम सिमेट्रिकल शेप नहीं बनाना पड़ेगा। स्क्वायर अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप से स्क्वायर टाइप का बन जाता है, तो वो शेप सेलेक्ट कर रखे थे इसलिए बार बार ऐसा हो जा रहा था। तो जैसे इलिप्स है तो इलिप्स टाइप का शेप अपने आप आ जा रहा था, तो हम उसको चेंज करना चाह रहे थे बार बार वही हो जा रहा था। चलो खैर, पाई बॉन्ड वाला जो पार्ट है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दोनों डायरेक्शन से आराम से एग्जिस्ट करता हुआ काम करेगा। तो जो हम लोग का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें तो केवल एटम दिखाई देता है, बट पाई बॉन्ड एग्जैक्टली कहाँ पे होगा ये हम लोग कंसिडर करते हुए जरूर काम करेंगे। और इसमें एक और चीज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे पाई बॉन्ड वाला पार्ट प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे एग्जिस्ट कर रहा, फिर शिप आ गया क्या, अरे जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है ये प्लेन के ऊपर में और प्लेन के नीचे में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मान लो कि प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका मतलब ये भी तो है कि एटम वाले पार्ट में कहीं से कोई पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक प्लेन कंसिडर कर ले, मतलब बेसिकली जो हम लोग का मॉलिक्यूल था, अगर हम लोग उस मॉलिक्यूल के प्लेन को ही प्लेन कंसिडर कर ले, तो ये प्लेन वाला पार्ट पूरे मॉलिक्यूल के हर एक एटम को कट तो करेगा,
और पाई बॉन्ड उस प्लेन के, जैसे मान ले कॉपी है ठीक है, तो कॉपी अपना रेक्टेंगल बन गया जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के जैसा है, पाई बॉन्ड उस कॉपी के ऊपर है और इसके नीचे है, तो कॉपी के प्लेन को अगर प्लेन कंसिडर कर ले तो उसमें हम लोग को कोई भी पाई का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और जब भी कभी एक प्लेन पे हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होता है, उस चीज को हम लोग नोड्स बोलते हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। तो जो एंगुलर नोड है उसको तो नोडल प्लेन भी बोला जाता है। तो जब हम लोग एक इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड वाला जो पार्ट है प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होने की वजह से जो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है, मतलब तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन हम लोगों ने ऊपर कंसिडर किया था, ये रेक्टेंगुलर प्लेन वाला पार्ट खुद ही एक नोडल प्लेन के जैसा बिहेव करता हुआ काम करेगा। इस एक पॉइंट का तुम ध्यान रखना, कभी कभी सवाल में इस तरह का नोडल प्लेन कंसिडर करके काम किया जा सकता है। तो होगा क्या, जब नोडल प्लेन दो तीन बार सामने आएगा और जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बहुत बार तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा, फिट हो जाएगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा आता है, तो फिर नोडल प्लेन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सवाल देखते ही तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लोग ऐसा इसमें कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये तो तुम्हारा इथीन का स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया। अब हम लोग एक और मॉलिक्यूल जो डिस्कस करना है, सबसे लास्ट मॉलिक्यूल 8 नंबर इथाइन कंसिडर कर सकते हैं, C2H2। बट इस बार हम तुमको पूरा ऑर्बिटल ओवरलैप का डायग्राम नहीं बता रहे, ठीक है? तो समझ में आ ही गया कि जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पहले एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना दिया, फिर जो प्योर ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड के लिए चला गया। तो सेम टाइप से यहाँ पे भी सब कुछ होगा। जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इथाइन में, तो पहले का हाइब्रिडाइजेशन sp, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन sp, तो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट आराम से sp ओवरलैप से बनेगा। अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पहला पाई बॉन्ड 2p2p ओवरलैप, क्योंकि कार्बन में और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड पाई बॉन्ड भी 2p2p ओवरलैप, क्योंकि कार्बन में और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, इतना ओवरलैप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एक और कंसिडरेशन अब इसके बाद ले सकते हैं, पहला पार्ट sp का शेप लीनियर, दूसरे sp का शेप भी लीनियर। मान के चलते हैं कि पहला वाला जो sp है वो s के साथ px के मिक्सिंग से मिला, तो अगर px है मतलब केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, और एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है मतलब x डायरेक्शन, तो हम लोग उस लीनियर एक्सिस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कार्बन वन वाले पार्ट का हम लोग x डायरेक्शन वाला पार्ट px वाला पार्ट यूज कर लिए, तो कार्बन वन दो पाई बॉन्ड बना रखा है, तो उस केस में सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो x वाला पार्ट मतलब px वाला पार्ट जा चुका है। अब अपने पास py अवेलेबल है और pz अवेलेबल है। पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ऑर्बिटल से ही बनेगा, तो py हमेशा c2 वाले पार्ट के py से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। मतलब c1 का px तो खत्म हो चुका था, c2 में भी px अवेलेबल है, py अवेलेबल है, pz अवेलेबल है, तो py हमेशा py के साथ ही ओवरलैप करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक पाई बॉन्ड तो py बन गया। उसके बाद दूसरा पाई बॉन्ड बनाने के लिए pz के सामने pz ही अवेलेबल है, मतलब दूसरा पाई बॉन्ड भी pz से बन गया। तो c2 में भी अगर हम लोग बात करें तो पहला पाई बॉन्ड py से बना c2 का, दूसरा पाई बॉन्ड pz से ही बन रहा है, मतलब c2 का भी py और pz खत्म हो चुका पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो अब c2 के px के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मतलब अगर हम लोग c1 वाले पार्ट के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन s plus px से बना रहे हैं, तो इसका मतलब c2 वाले केस में भी sp हाइब्रिडाइजेशन s plus px से ही बनेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन निकल के नहीं आएगा। तो पहले वाले कार्बन एटम के अलोंग जो लाइन है वो x डायरेक्शन में, दूसरे वाले के अलोंग जो लाइन है वो x डायरेक्शन के ही अलोंग रहेगा, ऐसा हम लोग आराम बोल सकते हैं। तो इस केस में लीनियर एक्सिस वाला पार्ट है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन उसके बाद कार्बन उसके बाद हाइड्रोजन वाला पार्ट, ये लीनियर एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा कर सकते थे हम लोग कि सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट के फॉर्मेशन को डिनोट कर दिया, ऐसे सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्म में मेंशन कर दिया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट मतलब दूसरा कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैप के लिए मेंशन कर दिया। फिर उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन का अगर लो ऑर्बिटल कंसिडर करें, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s वाला पार्ट मेंशन कर दिया, दूसरे कार्बन में भी सेम कंसिडरेशन लेके हाइड्रोजन वाले पार्ट के 1s के साथ ओवरलैप मेंशन कर दिया। ये पूरा पार्ट तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हो गया। अब बचा पाई बॉन्ड।
तो पाई बॉन्ड के लिए हम लोग आराम से ये कंसिडरेशन ले सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन तो अपना ये था, फिर उसके अलावा ऊपर वाला पार्ट वाई ले लेते हैं और परपेंडिकुलर जेड ले लेंगे। तो जो वाई वाला पार्ट है वो प्योर पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा, तो दोनों कार्बन के प्योर ऑर्बिटल को कंसिडर करते हुए चल लेते हैं। बहुत ही हल्का लिख रहे हैं आपकी डायग्राम, चलो थोड़ा डायग्राम बड़ा कर सकते हैं। ये पार्ट अपना पी वाई और ये पार्ट दूसरे कार्बन का पी वाई, इसमें हम लोग आराम से पी वाई का ओवरलैप कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से हम लोग पी जेड वाले पार्ट को भी कंसिडर कर सकते थे। अगर हम लोग पी जेड वाले पार्ट को कंसिडर करके चले तो वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये अपना पी जेड डायरेक्शन, दूसरा ये पी जेड ऑर्बिटल हो गया, तो पी जेड वाला पार्ट आराम से अपने पी जेड वाले पार्ट के साथ ओवरलैप कर लेगा। तो ये पी जेड ऑर्बिटल हो गया, ये भी पी जेड हो गया, इसके अलावा पी वाई ऑर्बिटल और एक्स वाला पार्ट तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में आराम से जा रखा था। ये हम लोग का ऑर्बिटल डायग्राम वाला पार्ट हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बना, फिर पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर कंसिडर करना चाहें प्लेन वाला पार्ट कौन सा होगा, तो इसमें सोचा जा सकता है कि इसमें नोडल प्लेन कौन सा निकल के आएगा पाई बॉन्ड के लिए। सोच के देखना, समझ में आएगा कि यहाँ पे नोडल प्लेन वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी प्लेन लेंगे तो उस केस में प्लेन वाले पार्ट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ऑर्बिटल निकल के ही जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से पाई बॉन्ड वाला पार्ट किसी भी प्लेन में निकल के आते ही चला जाएगा। ये हम लोगों का कंप्लीट ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट का कंसिडरेशन था, जिसमें एक मॉलिक्यूल का हम लोग एडिशन करेंगे और वो मॉलिक्यूल है तो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट, प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग उसको डिस्कस कर लिया करते हैं। और उसका नाम भी थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो अल्कीन बोलेंगे, मान लो यहाँ पे गैप होता फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो भी अल्कीन बोलेंगे। तो इस तरीके से गैप होने के बाद फिर डबल बॉन्ड कार्बन तो अल्कीन बोल सकते हैं। बट अगर कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड हुआ, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग एलीन्स बोल सकते हैं। एक जनरल टर्म यूज किया जाता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस चीज को हम लोग नॉर्मली एलीन्स बोल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एलीन्स नहीं होगा, ये पहला हाफ एलीन्स है, फिर वापस ये दूसरा हाफ वाले पार्ट एलीन्स है, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर एलीन्स नहीं है। कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड अगर होंगे तभी हम लोग ये टर्म एलीन्स यूज करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। खैर, हम लोग एलीन्स के सबसे बेसिक एक स्ट्रक्चर से मतलब रखना है अभी, केवल एक ही मॉलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर हम लोग ज्यादा डिटेल में आराम से डिस्कशन करते हुए काम करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं लेविस स्ट्रक्चर टाइप का पार्ट। ये अपना हाइड्रोजन वाला पार्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो इस केस में पहले कार्बन वाले पार्ट पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे हाइब्रिडाइजेशन sp, कार्बन नंबर 3 वाले पार्ट पे हाइब्रिडाइजेशन sp2। मेरे हिसाब से इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में, ठीक है। अब इसके बाद जब अगले कंसिडरेशन की बात करेंगे तो मान के चलते हैं c1 वाले पार्ट को लेके चलते हैं। c1 वाले पार्ट में अगर कंसिडरेशन ले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के sp2 वाले पार्ट का, तो मान लेते हैं कि s के साथ px और py चला गया प्लेन में, तो इसका मतलब यहाँ पे xy प्लेन में हम लोगों का ट्रायंगुलर प्लानर शेप निकल के आ जाना चाहिए। ये सबसे पहला पार्ट हो गया, ठीक है, xy प्लेन में अपना ट्रायंगुलर प्लानर शेप निकल के आएगा। तो जो कार्बन 1 और कार्बन 2 का पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए प्योर पी ऑर्बिटल चाहिए और हम लोगों के बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग px py को तो खत्म कर चुके, तो C1 वाले पार्ट के पास एक ही ऑप्शन है PZ का। और अगर C1 का PZ यूज कर रहा है तो C2 का भी PZ ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो पाई बॉन्ड है वो Z वाले पार्ट से आराम से बन गया, ठीक है। तो इसके आगे की बात करते हैं, मान लो हम लोग कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं केवल, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp था, तो इस बार ये कंसिडरेशन ले लेते हैं हम लोग कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s के साथ अपने पास अब दो ही ऑर्बिटल ऑप्शन में है एक्चुअल में, क्योंकि c2 का pz तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो px py pz में हम लोग के पास
पीजेड वाला पार्ट पाई बॉन्ड में खत्म हो चुका, इस चीज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दिया, बचा क्या एक्स और वाई। तो हम लोग एस पी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, तो मान लेते हैं पी एक्स वाला पार्ट यूज कर लिया। अगर पी एक्स वाला पार्ट यूज कर लेंगे तो इसी कंसिडरेशन पे हम लोग अगर आगे बढ़े, मान के चल लेते हैं कि हम लोग पी एक्स वाला पार्ट यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये है एस पी में जो लीनियर शेप आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग निकल के आना चाहिए। ये सेकेंड वाले पार्ट का कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद जब हम लोग पाई बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड वाले पार्ट में सी टू और सी थ्री, तब क्या होगा? तो इस केस में जैसे एक चीज देखो, जो सी टू है उसका पीजेड वाला पार्ट तो खत्म हो चुका, तो सी टू के पास अपने तीन ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी टू के पास पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। पी जेड तो पहले ही खत्म हो चुका था पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये छोड़ दिया। पी एक्स वाला पार्ट भी सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो ये भी छोड़ दिया। बचा क्या ऑप्शन? पी वाई वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को सी टू और सी थ्री के बीच में पाई बॉन्ड बनाना होगा तो अपने पास सी टू के पास एक ही ऑप्शन है पी वाई, तो सी थ्री को मजबूरी में पी वाई ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल सी ऑर्बिटल्स बना, ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना पाएंगे। तो अगर हम लोग कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर थ्री जो डायग्राम में मेंशन किया है ऊपर, इस डायग्राम में अगर हम लोग सी टू सी थ्री के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे तो वो पाई बॉन्ड अपना पी वाई के ओवरलैप से बन गया। अब इसके बाद फिर से आगे जाते हैं, मान लो सी थ्री की बात करते हैं हम लोग, तो सी थ्री में हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है, तो एस पी टू वाले पार्ट में जैसे सी थ्री के ऊपर पी एक्स था, पी वाई था और पी जेड था, लेकिन नीचे पी वाई तो दिख रहा था कि सी थ्री का पाई बॉन्ड नहीं चला गया, तो इसका मतलब पी वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दो ही ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं पी एक्स पी जेड, और दो चाहिए भी। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन एस के साथ पी एक्स प्लस पी जेड इसके ओवरलैप से आराम से बना सकते हैं, मतलब एस पी एक्स पी जेड यहाँ के बेसिस पे हम लोग सी थ्री में हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। बट अगर पी एक्स पी जेड से हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ट्रायंगुलर प्लैनर शेप एक्स जेड प्लेन में निकल के आ जाएगा, तो इसके वजह से एक छोटा सा वेरिएशन आएगा। यहाँ ऊपर वाले पार्ट में देखो, तो सी वन वाले पार्ट को मेंशन किया था, सी वन में हम लोग का जो ट्रायंगुलर प्लैनर शेप है वो एक्स वाई प्लेन है, जबकि सी टू वाले पार्ट में, सॉरी सी थ्री वाले पार्ट में एक्स जेड प्लेन है। तो एक प्लेन अगर एक्स वाई है, जैसे ये डायरेक्शन अगर मान के चलते हैं एक्स वाई और जेड, तो एक प्लेन अगर ऐसा है तो इस केस में जो अपना दूसरा प्लेन वाला पार्ट होगा वो एक्स जेड डायरेक्शन में किस टाइप का निकल के आएगा, परपेंडिकुलर प्लेन टाइप का निकल के आएगा। तो पहले वाले केस में, तो पहले वाले पार्ट कार्बन वन पे जो तीन एटम्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में आएंगे, जबकि सी थ्री वाले पार्ट पे जो तीन एटम्स है वो एक्स जेड प्लेन में चला जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस टाइप का निकल के आना शुरू हो जाता है। तो पहले वाले केस में अगर हम लोग ये डायग्राम लेके चले, जैसे ये एक रेक्टेंगल था, तो जो दूसरा कार्बन वाला पार्ट है वो उसके एटम्स वाले पार्ट को हम लोग जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में दूसरे रेक्टेंगल के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा दो कॉपी है, तो एक कॉपी एक रेक्टेंगल है, दूसरा कॉपी एक रेक्टेंगल है, एक कॉपी को वर्टिकली रख दो और दूसरे कॉपी को हॉरिजॉन्टली कर दो, और दोनों कॉपी को ज्वाइन करा दो एक पॉइंट से, मिड पॉइंट से ज्वाइन करा दो, मतलब किसी एक एज के मिड पॉइंट से ज्वाइन करा दो, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करा दो। तो उस केस में एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर होगा कि एक कॉपी हम लोग का वर्टिकल है और दूसरा कॉपी वाला पार्ट हम लोग के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दोनों को एक ही पॉइंट से हम लोग सेंटर से ज्वाइन करा दिए, तो हम लोग का ये डायग्राम टाइप का पार्ट निकल के आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं डायग्राम में, कि अगर पहले वाले कार्बन एटम को कंसिडर करें तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा था, दूसरे वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा था, बट दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर प्लेन एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर होगा कहाँ से, तो जैसे एक चीज देखो, कार्बन वन में एक्स डायरेक्शन था, कार्बन नंबर टू में भी एक्स डायरेक्शन था, कार्बन नंबर थ्री वाले पार्ट में भी एक्स डायरेक्शन था। तो एक चीज तो कॉमन है कि एक्स डायरेक्शन सब में कॉमन निकल के आ गया, और जो पाई बॉन्ड है वो सेंट्रल एटम से अटैच्ड है। ये चीज सी टू वाले पार्ट में दोनों एटम से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है,
अगर सी टू वाले पार्ट में दोनों एटम से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, मतलब जो भी वेरिएशन है वो सी टू के ऊपर ही चल रहा है, तो इसको ऐसा कंसिडर करेंगे हम लोग कि हम लोगों का जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पे हम लोग एक कार्बन सी टू वाला पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। हाँ बोलो। मैं पिछले 5-10 मिनट से ऑफलाइन हूँ, लैपटॉप लोड हो रहा है, वो मोबाइल में हूँ, क्या बोल रही हैं? तो 5-10 मिनट से ऑफलाइन है तो 5-10 मिनट और ऑफलाइन हो जाते हैं, दिक्कत नहीं है, अभी कुछ नहीं मालूम। वीडियो डाल दीजिएगा फिर। हाँ ठीक है, वीडियो तो डाल ही देंगे, तो उसमें बात करते हैं, क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, तो जैसे ये जो सी टू वाला पार्ट है ये जंक्शन पर होगा, ठीक है, उसके अलावा सी थ्री वाला पार्ट राइट साइड वाले पार्ट में अगर कंसिडर करें तो सी वन वाले पार्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में कंसिडर कर सकते हैं, और सी वन के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो बिल्कुल ऊपर और नीचे जाएंगे, और सी थ्री के रिस्पेक्ट में जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो इसी प्लेन में एग्जिस्ट करते हुए काम करेंगे, इस तरीके से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब पहले वाले जो दो हाइड्रोजन है और लास्ट वाले, मतलब शुरू के जो दो हाइड्रोजन है सी वन वाले और लास्ट के जो दो हाइड्रोजन है सी थ्री वाले, ये दोनों एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। देख के ऐसा लग रहा था कि सब एक ही जैसा तो है, लेकिन अब ये सब एक जैसा नहीं है, दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता हुआ चल रहा है, और इसको हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर या सॉलिड वेज डैश्ड वेज इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे तुम लोगों को बताया था टेट्राहेड्रल शेप में, कि टेट्राहेड्रल शेप में हम लोग दो लाइन को नॉर्मल रखते हैं, एक पार्ट को हम लोग सॉलिड पे रखते हैं और दूसरा डैश्ड लाइन से रखते हैं, तो इस चीज को सॉलिड वेज बोला जाता है और ऊपर वाले पार्ट को डैश्ड वेज बोला जाता है। तो जो सॉलिड और डैश्ड वेज है, इसमें सॉलिड प्लेन से हम लोग की तरफ आता है, डैश्ड प्लेन से हम लोग की तरफ से दूर जा रहा होता है। इस चीज को हम लोग जब ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे तो एग्जैक्टली ये मॉलिक्यूल को हम लोग वहां पर फिर से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है, इस ऑर्बिटल डायग्राम का एक बेसिक आइडिया ही रखना होगा कि ऑर्बिटल डायग्राम कैसे कैसे बनेगा, पहले एटम में क्या होगा, फिर दूसरे एटम में क्या होगा, फिर तीसरे एटम में क्या होगा, फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में पहला एटम का जो सारे पार्ट है और लास्ट वाले एटम के ऊपर जो सारे पार्ट्स है वो सब कौन कौन से प्लेन में जाके एग्जिस्ट करेंगे, ये सब चीजें हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इस चीज का मेरे हिसाब से ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट तुम्हारे ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम से एसोसिएटेड था, ये सारे के सारे चीजें जो हम लोग केवल ऑर्बिटल ओवरलैप के डायग्राम से एसोसिएट करके चलते थे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे सर, लास्ट वाला फेस से एक्सप्लेन करिए ना, ये पूरा डायग्राम नहीं स्ट्रक्चर इसका, ये स्ट्रक्चर ओके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो जैसे तुम्हारे पास उसको ऐसा समझ लो, जैसे हम तुम लोगों को जो बोल रहे हैं उस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करना है। जैसे तुम्हारा एक हाथ है, ठीक है, तो दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, अगर हाथ में फोन है तो उसको छोड़ सकते हैं, बस ऑडियो सुन लो, ठीक है। मान लो दो हाथ है तुम्हारा, तो उसमें से एक हाथ का जो प्लेन है, जो पाम है अपना, वो एक प्लेन मान लो, ठीक है, दूसरे हाथ को भी एक प्लेन मान लिया, दोनों एक्चुअल में एक प्लेन के जैसा है भी, एक हाथ को दूसरे हाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके चले जाओ, मतलब एक हाथ वर्टिकल प्लेन में रख दिया और एक हाथ को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया, और दोनों में जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है उसको आपस में ज्वाइन करो दोनों पाम्स के, तो तुमको आइडिया लगेगा कि मॉलिक्यूल का प्लेन किस तरीके से है, मतलब पहले वाले साइड में जो प्लेन है और दूसरे वाले साइड में जो प्लेन है बिल्कुल अलग अलग टाइप से है, और इसमें एक और कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दो, जैसे मेरा ड्राइंग तो बहुत अच्छा नहीं होगा बट फिर भी मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है, ये हाथ का डायग्राम है ऐसा मान के चल रहा है, तो इस केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में अपने पास कार्बन है, बिल्कुल सेंटर में, और ये जो सबसे ऊपर वाला थंब है ये एक हाइड्रोजन है, और ये जो छोटा वाला फिंगर बोलते हैं लिटिल फिंगर, ये अपना दूसरा हाइड्रोजन है, मतलब ओरिएंटेशन अच्छा तो नहीं है, मतलब उंगली ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, ठीक है, बट मान के चलते हैं कि ये छोटा वाला उंगली को तोड़ करके घुमा दिया ऐसा, तो इस केस में ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी एक हाइड्रोजन है, तो जो तुम्हारा एक हाथ है उसके थंब को थोड़ा ऊपर कर लो और उसके लिटिल फिंगर को भी थोड़ा नीचे कर लो, तो ये दोनों हाइड्रोजन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग,
मतलब जो एक हाथ है तुम्हारा उसके थंब को एक हाइड्रोजन मान लिया, उसको अपने पाम से थोड़ा दूर लेके चले जाओ, और जो लिटिल फिंगर है उसको भी एक हाइड्रोजन मान लो, उसको भी अपने पाम से थोड़ा दूर लेके चले जाओ। थोड़ा इमेजिनेशन की चीज है, बट अगर ये चीज समझ में आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें आसान हो जाएंगी। तो दोनों को अपने पाम से दूर लेके चले गए, बिल्कुल जितना मैक्सिमम दूर लेके जा सकते हैं। तो जो अपना पाम था वो कार्बन हो गया, और उस कार्बन वाले पार्ट में दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। सिमिलर टाइप से दूसरे हैंड को यूज करो, दूसरे हैंड में भी थंब को और लिटिल फिंगर को बिल्कुल दूर लेके चले जाओ, वो थंब और लिटिल फिंगर एक एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और उसके बाद दोनों पाम्स को एक दूसरे से अटैच करो। इस तरीके से अटैच करो कि एक पाम अपने वर्टिकल प्लेन में रह जाए और दूसरा पाम हॉरिजॉन्टल प्लेन में चले जाए। तो एक पार्ट अगर वर्टिकल प्लेन में है, एक पार्ट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ऑलमोस्ट ये मॉलिक्यूल इस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा कि एक हाथ का हम लोग का जो दोनों हाइड्रोजन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, जबकि दूसरे हाथ का दोनों हाइड्रोजन वर्टिकल प्लेन वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम लोग उस डायग्राम के थ्रू मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसको एक्चुअल में हम एक काम भी कर सकते हैं, हम छोटा सा एक वीडियो बना करके भी एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो तुम लोग को ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि अगर हम लोग एलिन्स का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं इस टाइप का, तो उस केस में ये जो शुरू के तीन एटम्स दो एटम्स है, और ये जो लास्ट के दो एटम्स है, ये दोनों किस तरीके से प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ध्यान रखें, कल संडे है भी, हम इसका एक वीडियो बना करके तुम लोग को इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे हाथ के थ्रू, ताकि तुमको ज्यादा अच्छे से विजुलाइजेशन हो जाए। फिर तुमको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो सीधा अपना हाथ ऐसे ऐसा करके देख लेना, ठीक है, कि ऐसा हाथ करने से कौन सा एटम किस डायरेक्शन में चले जा रहा है, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद फिर मेरे हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के बाद फिर हम लोग बाकी दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला जाता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन तो वही सब है, वो जो डायग्राम हम लोगों ने मेंशन किया था, एलिन्स का भी केस यहाँ नीचे मेंशन कर रखा है। तो ये जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वो इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद SO2 का पाई बॉन्ड का नेचर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, SO3 वाले पार्ट का, SO2 वाले पार्ट का डिस्कशन हो चुका। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, टाइप ऑफ ई पाई पी पाई बॉन्ड SO3 में, N2 में, ClO4 में, ठीक है, सब क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना। हम लोगों ने और भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आंसर निकाला जा सकता है। उसके बाद उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट है, जिसको हम लोग को शुरू करना होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में बहुत छोटा सा ही कंसेप्ट है, हम लोग को ज्यादा इसमें कुछ कंसिडरेशन लेके चलना नहीं होता, थ्योरेटिकल टाइप का कंसेप्ट है। एक बार पढ़ेंगे तो भी कुछ कुछ समझ में आएगा, हम सजेशन तो ये देंगे कि रीड करके आना इस चीज को, क्योंकि कल संडे है और छुट्टी भी है, तो आराम से इस चीज को रीड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार रीड करके आना, मतलब पेज नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, पेज नंबर 74 तक रीड करके आना है आपको। पेज नंबर 67 से लेके 74 तक रीड करके आना, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। मतलब एक्चुअल में जैसे जितना सिंपल हम बोल रहे उतना सिंपल है नहीं ये, बट हम लोग के सिलेबस में चीज बहुत सिंपल रखा गया है, क्योंकि शायद तुम लोगों को एक चीज याद होगा, बताए भी थे जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा रहे थे, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मतलब आइंस्टाइन उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम लोग ज्यादा इसके डिटेल में जा नहीं सकते, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो वैसे ही नहीं समझ में आता, तो ये तो और नहीं समझ में आएगा। बट हम लोग इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, वो भी हम लोग 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट के लिए देखते हैं। मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें कंबाइंड एटॉमिक नंबर 20 तक हो, जैसे फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 18 तक हो पाएगा F2 मॉलिक्यूल में। तो हम लोग F2 तक कंसिडर करेंगे इस चीज को, उसके आगे हम लोग कंसिडर भी नहीं करते। तो भले ही बहुत ही नया अप्रोच है, बहुत ही एकदम रिसेंट अप्रोच है, बहुत अच्छा अप्रोच है, 1960 से यही अप्रोच फॉलो किया जा रहा, बट हम लोग इस अप्रोच को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ये सब रिसर्च वगैरह में इसी सब पे मोस्टली काम होता है। तुम लोग को मालूम भी पड़ जाएगा कि हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो सब मोहमाया था, लोग मोहमाया में पढ़ने का ज्यादा नहीं था, बट एक्चुअल में उसी को हम लोग को याद करना होता है। तो हम लोग का जो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट्स वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं अगर एक बार रीड करके रखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में सीधे काफी आसानी से समझ जाएंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग कुछ कुछ होमवर्क दे सकते हैं क्या? होमवर्क तो शायद विस्पर थ्योरी सारा दे ही दिया था जहाँ तक हमको गया। 74 में टॉपिक क्या है? मेरे पास कॉपी है। टॉपिक कुछ नहीं है शायद से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखना ना, जहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ठीक है, अच्छा तुम्हारे पास तो तुम्हारी दीदी का कॉपी होगा है ना? हाँ। बढ़िया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो टॉपिक दे रखा बस उस टॉपिक को पढ़ लेना। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ना है, तो जहाँ पे भी तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगा उससे पहले तक पढ़ाई करना है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले तक पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 5 या 6 या 7 पेज का टॉपिक होगा। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं जो तुम्हारे समझ नहीं आएंगे, तो वो हम समझाएंगे तुम लोगों को। और क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, सवाल बहुत पूछा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, हर 2 साल में सवाल पूछा जाता है, मेंस में एडवांस में एक सवाल तो रहता ही रहता है। तो सवाल कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग आराम से एक एक करके देखते चले जाएंगे। उसके बाद तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट इसमें शायद दे नहीं रखा, तो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट भी हम लोग को डिस्कस करना होगा, और बॉन्ड एंगल वाला पार्ट डिस्कस करना होगा। एप्लीकेशन केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, ये 3 टॉपिक्स का डिस्कशन जैसे ही अपना हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग आयनिक बॉन्डिंग में फजान्स रूल और लैटिस एनर्जी कंपेयर करेंगे। मतलब मेरे हिसाब से 4 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना 4 लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक, हाँ ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब 5 लेक्चर में टॉपिक आराम से कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा वैसे तुम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, कल हम सुनकर खुद भी थोड़े शॉक में थे इस चीज को लेके। जो तुम लोगों को फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे अभिषेक सर, तो उनका भाई जो है वो नारायणा में पढ़ता है, नारायणा चैतन्य जो साउथ इंडिया में है ना, तो उसी में पढ़ता है वाइजाग में, और वो अभी 9th में गया है, और वो लोग क्लास 12th का टॉपिक मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ चुका है, वो लोग ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ चुका है, क्लास 8th में ही पढ़ चुका है। मतलब हम सुन करके थोड़े शॉक में थे कि एक्चुअल में क्लास 8th में इस चीज को कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो कल एक चीज मालूम पड़ा कि उन लोगों को 8th का आइडिया नहीं है कि 8th में क्या सिलेबस होता है, 9th के सिलेबस का भी आइडिया नहीं है, 10th के सिलेबस का भी आइडिया नहीं है, सीधा 11th 12th के सिलेबस का आइडिया है। कोई ऐसा काम भूल के मत करना, क्योंकि इसमें 2 चीजें होंगी, आइदर सब कुछ आता है और नहीं तो कुछ भी नहीं आता, सीधा फेल करेंगे नहीं तो सीधा टॉप करेंगे। इतना एक्सट्रीम कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है। वो बता रहे थे कि उन लोगों को गैस स्टेट पढ़ा दिया गया है, 8वां क्लास में गैस स्टेट पढ़ लिया उन लोग, जो तुम लोग 11th क्लास का टॉपिक है। कैसे पढ़ा दिया गया, क्या पढ़ा दिया गया, हमको भी नहीं समझ आया कि नंबर ऑफ मूव्स का इंट्रोडक्शन हो गया, चलो कराया भी गया होगा तो भी 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री सर्कल ज्योमेट्री ये सब तो पढ़ाएंगे कम से कम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पढ़ाएंगे। तो बड़ा अजीब टाइप का सिचुएशन चल रहा है, हमको नहीं समझ आता कि लोग मतलब 8वें क्लास में 12वां का पढ़ाई कैसे कर ले रहे हैं, इतना बड़ा जंप कैसे पॉसिबल है, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले 2-3 साल में, जैसे अभी है ना कि तुम लोग, तुम में से 2-3 लोग 10th क्लास के हैं, 3 लोग 10th क्लास के हैं, तो 11th क्लास की चीजें पढ़ रहे हैं, मान के चलते कि 1 साल में हम लोग का 1.5 साल में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 साल मतलब कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा, 1.5 साल मतलब 1 and 3 months ले सकते हैं हम लोग, तो इतना भी नहीं जाएगा हम लोग का सिलेबस, 11th क्लास और 12th क्लास के पहले 2 मंथ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास सफिशियंटली अप्रोक्सीमेटली 9-10 महीने का टाइम होगा रिविजन करने के लिए, और मैथ्स में तो अंकुर सर बोल रहे 6-7 महीने में सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, तो मैथ्स में तो तुम लोग आराम से साल भर होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो 11th वाले लोग हैं उनके पास 7-8 महीने होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और जो 10th से 11th में जाएंगे तुम लोगों के पास तो पूरा 2 साल होगा प्रैक्टिस करने के लिए। अल्लाह, हमको ये नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली कि 8वां क्लास में अगर 8th 9th में अगर हम 11 12 का पढ़ा दे तो 4 साल रिविजन करके कोई क्या कर लेगा, मतलब एग्जैक्टली 4 साल में ऐसा क्या रिविजन कर लेगा जो 2 साल में नहीं कर सकते, थोड़ा मेरे समझ से बाहर गया। कॉलेज लेवल का पढ़ने लग जाएगा फिर, और वही तो नहीं, कॉलेज लेवल का पढ़ाते भी नहीं है ना, कॉलेज लेवल का पढ़ाते तो भी ठीक है बट पढ़ाते नहीं है, तो वही IIT वाले चीजों को कितना पढ़ेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शायद ये ट्रेंड होने वाला है कुछ दिनों में, 6, 7, 8 से ही लोग 11, 12 का पढ़ाई करना शुरू करते, जो बहुत गंदा चीज है मेरे हिसाब से। खेलने कूदने की उम्र है भाई, मतलब एग्जैक्टली खेलो कूदो 9, 10 में, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लो, बट 9th क्लास में तो खेलो ही खेलो, 10th क्लास तक थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि पूरा दुनिया में ही आजकल लोग पहले से पढ़ने लग गए, पता नहीं कैसे क्लासेस चल रहा है उन लोगों का, भगवान जाने,
तो वो तो बोल रहे थे कि सर उसको बहुत सारा चीज नहीं समझ में आ रहा, तो हमने ठीक है उसको बोली ऑनलाइन क्लासेस करेगा हम लोगों का आराम से और बढ़िया से पढ़ाई करेगा, छोड़िए सब चक्कर का फंडा। आते हैं हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे। यार सारा क्वेश्चन होमवर्क तो दे रखा है, तुम लोग कुछ बचा ही नहीं है फिर तो। वेस्पर थ्योरी में सारा होमवर्क दे चुके तुम लोगों को, सारा क्वेश्चन तुम लोग बना ही चुका था। अच्छा इसमें एक दो सवाल था जो तुम लोग का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड था ना, ये मॉलिक्यूल हम लोग को और डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है एक मॉलिक्यूल और डिस्कस कर लेंगे तुम लोग। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 43 बोला था मैंने कि ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर से एक बार बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, choose the molecule in which hybridization occurs in the ground state. तो अब तुम लोगों को देखते ही मालूम पड़ जा रहा होगा कि हम लोग कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है देखते ही बता सकते हैं कि कोवेलेंसी से ही सवाल सॉल्व होगा, हाइब्रिडाइजेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल तो बहुत ही आसान हो जाएगा, अभी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो अभी हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते तो उसको छोड़ दो। तो एक काम कर सकते हैं, बजांस रूल, डाइपोल मोमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहीं तक का मेन टॉपिक अपने को डिस्कस करना है एप्लीकेशन तक वाले पार्ट को। उसके बाद फिर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर अभी डिस्कस नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर नहीं कर सकते। इन सब टॉपिक्स के लिए थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग क्लास 12 से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, केवल तीन लोगों का डिस्कशन होगा उसमें, अरविंद का, ज्योत्ना का और अनूप का, क्योंकि तुम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हो, केवीपीवाई में 11 12 दोनों आता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्योर पार्ट शुरू होता है, ये क्लास 12 वाला पार्ट जो हम लोग नॉर्मली क्लास 12 में पढ़ाना चाहेंगे प्रेफरेबली, वो तुम लोग काम अलग से कराएंगे ताकि केवीपीवाई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग अच्छे से हो जाए। और बाकी जो 10th वाले स्टूडेंट लोग हैं, तुम लोग को ये टॉपिक अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10th में ऑलरेडी एनटीएससी का एग्जाम रहेगा, तुम्हारे ऊपर लोड है भी। तो इस टॉपिक को छोड़ के अपना आराम से बाकी जो टॉपिक हम लोग पैरेलल में चलाएंगे वो चलता जाएगा। जो तीन लोग 11th वाले हैं, उन लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट होगा, उनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक में पैरेलल में चलता जाएगा ताकि उन लोगों का अलग से उस चीज का प्रैक्टिस होता जाए, उन लोगों का उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट भी अलग से चलेगा, उन लोगों को हम लोग कंबाइंड टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। लेविस एसिड उसके बाद ही डिस्कस करेंगे हम लोग, बैक बॉन्डिंग वही पार्ट टू में आएगा, मेटालिक बॉन्डिंग ठीक है। चलो इसमें एक्सरसाइज 2 में होमवर्क नोट करना शुरू करो। वैसे थोड़ा कम क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने वर्कशीट बिल्कुल भी सॉल्व शायद नहीं किया, क्योंकि उसमें किसी ने भी डाउट नहीं पूछा, उसमें काफी भारी भारी सवाल दे रखे हैं। तो वर्कशीट जो है तुमको मैंने बोला भी था कि डीपीपी ही है, तो हम लोग को रेजिन्यू से मिला था, उसमें जो क्वेश्चन है वो सब तुम्हारे जितने भी अच्छे बुक्स हैं, जितने भी दुनिया में अच्छे बुक्स हैं, जैसे इरोडो हो गया, फिजिक्स में प्रोटो हो गया, मैथ्स में वी गोवरो हो गया, या फिर एआई फिलिप्को हो गया, फॉलन नाइट हो गया, केमिस्ट्री में जेडी ली हो गया, मैकमरी से हो गया, जितने भी अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन कलेक्टेडली उस डीपीपी में डाले होते हैं और तुमको बुकलेट्स में नहीं मिलता। अगर तुम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का ये मंगाओ, छोटा से कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल वाला पार्ट मंगाओ, तो उसमें भी तुम लोग को वो सब क्वेश्चन नॉर्मली नहीं मिलेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और डीपीपी के क्वेश्चन बहुत यूनिक होते हैं, वो डीपीपी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं मिलने वाले, कहीं नहीं मिलते हैं। डीपीपी वहाँ पे शीट बाई शीट बस बटता है और पेजेस गायब हो ही जाते हैं लोगों के साथ, किसी का बचा नहीं रहता, और कोई इतना टाइप भी नहीं कराता। बट उन डीपीपी के जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे ही क्वालिटी के होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी होंगे उसमें, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन भी होंगे और बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। मतलब एक एक फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक एक घंटे का टाइम लग सकता है, केमिस्ट्री और मैथ, केमिस्ट्री में तो इतना टाइम नहीं लगेगा खैर, बट मैथ्स का फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में एक घंटे का टाइम लग सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन उधर दिया है उन क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से सॉल्व करना। मैथ्स का डीपीपी शायद से हम लोग अभी नहीं दे तुम लोगों को, क्योंकि मैथ्स में हम खुद अपने सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, वो मतलब फंक्शन पहले शुरू किए हैं, पहले पूरा फंक्शन कम्प्लीट करेंगे, फिर अपने हिसाब से यूनिक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पूरा सिलेबस कम्प्लीट करेंगे। तो जिस दिन तुम्हारा मैथ्स खत्म हो गया, उसके बाद जब मैथ्स को प्रैक्टिस करने का टाइम आएगा तो तुम लोग को हम लोग सारा वर्कशीट एक लाइन से देते चले जाएंगे, वर्कशीट 1 2 3 4, तुम्हारा काम होगा केवल प्रैक्टिस करते चले जाना। तो तुम्हारा फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके हिसाब से वर्कशीट मिलता जाएगा, केमिस्ट्री में भी उसी के अकॉर्डिंग वर्कशीट मिलता जाएगा। और क्योंकि हम लोग का सिलेबस ऑलरेडी आगे चल रहा है, इसलिए हम एक दिन में 2 या 3 या 4 वर्कशीट दे रहे हैं, उसमें 7-8 क्वेश्चन हैं। अभी छुट्टी चल रहा है तो अभी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
कोई भी दूसरा बुक बनाने से पहले जो होमवर्क दे रहे हैं एटलीस्ट उसको सॉल्व करो। जैसे इनऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में अवस्थी है, लोग बोलते हैं कि बहुत भारी बुक है, डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तुमको मालूम पड़ेगा कि अवस्थी का लेवल उसके सामने कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं एमएस चौहान बहुत भारी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट डीपीपी के क्वेश्चन के सामने एमएस चौहान का लेवल बहुत ही नीचे है। एक्चुअल में एमएस चौहान और एन अवस्थी या कोई भी बुक है, वो सब बुक्स में जो क्वेश्चन है वो कोटा में जो भी इंस्टीट्यूट है जैसे बंसल क्लासेस का, रेजिमेंट का या फिर एलएन है, एलएन तो था भी नहीं उस टाइम पे 2010 में जब बुक निकला था तो कैरियर पॉइंट था, ये तीन चार इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक से उठाए गए क्वेश्चन पे, मतलब इनके क्वेश्चन जो बुक्स में जो क्वेश्चन है एमएस चौहान में, नवस्थी में या फिर जो फिजिक्स में एक बुक आता है जबकि नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा बालाजी का, इन सब बुक्स में जो क्वेश्चन है वो कोई नए क्वेश्चन नहीं है, वो हम लोग को नया दिखाई देता है क्योंकि हम लोगों ने वैसे क्वेश्चन देखे नहीं है कहीं पे, बट ये सब ऑलरेडी वहाँ के डीपीपी में डाले हुए रहते हैं, उन लोगों ने बस डीपीपी के क्वेश्चन उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया था। तो डीपीपी में तुमको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए पहला काम है डीपीपी सॉल्व करो, बुकलेट सॉल्व करो ना करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बुकलेट बाद में रखना प्रायोरिटी में, घर जाते ही पहला काम डीपीपी सॉल्व करना होता है नॉर्मली, हम लोग के टाइम पे भी यही था, घर गए पहला डीपीपी निकालो और डीपीपी सॉल्व करो तब बुकलेट पे जाओ, बुकलेट पे कुछ क्वेश्चन छूट गए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वर्कशीट है तो तुम लोग डीपीपी वर्कशीट के फॉर्म में दे रहे हैं, वर्कशीट के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, कुछ भी हो जाए वर्कशीट के सारे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो उसी दिन ट्राई करना, और उसका आंसर भी तुम्हारे सेम वर्कशीट में नहीं होता, नेक्स्ट डे में दिया जाता है, ताकि तुम लोग आराम से जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो ब्लाइंड स्पेस में काम करो, मतलब ब्लैंक स्पेस में काम कर लेंगे, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है पता नहीं, तो सोच के ही काम करेंगे, अच्छा हम जो भी काम करें धीरे धीरे पेशेंटली सोचते हुए काम करते हैं, उससे एरर सही होना शुरू होता है, जैसे मान लो कि आज डीपीपी सॉल्व किया अगले दिन उसका आंसर देखा देखा यार इतना गलती है, तो हड़बड़ी में सॉल्व करने की चीज नहीं, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है बेसिकली, बहुत अच्छे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे तो आराम से उनको धीरे धीरे सॉल्व करना, और जो भी वर्कशीट देंगे उसको प्रॉपरली सॉल्व करते ही जाना, जो भी डाउट होगा वो डाउट चाहे तो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जब ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो हम लोग अलग से डिस्कशन भी कर लिया करेंगे, चलो ठीक है केमिस्ट्री में ये सब डाउट्स हैं इसको पोस्ट कर लेते हैं, बट ट्राई करना एटलीस्ट हमारे बेच में ट्राई करना कि क्वेश्चन तो कुछ भी हो जाए खुद से ही सॉल्व कर लें, मतलब एक बार ट्राई किया दो बार ट्राई किया चार बार ट्राई किया एक घंटे दिमाग लगाया डेढ़ घंटे दिमाग लगाया लेकिन उसको खुद से ही सॉल्व करके उसके आंसर पर पहुंचे, अगर खुद से सॉल्व कर लिया तो बेटर है, अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो हम लोग देखेंगे अगर डाउट्स बढ़ते चले जाएंगे तो उसके इसमें फिर हम लोग अलग से डाउट सेशन जब रेगुलर क्लासेस चलेंगे तो डाउट सेशन लगाना शुरू करेंगे कि चलो ठीक है जिसको भी डाउट पूछना है वो अपना डाउट में पूछ सकता है, या फिर जब डिस्कशन करते हैं हम लोग टॉपिक का सब शुरू में कि कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है तो उसमें जिसको जिस वर्कशीट के जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो ही बोल सकता है कि सर इस वर्कशीट का ये क्वेश्चन नंबर इसमें डाउट है, और हो सके तो अपने वर्कशीट को एक जगह अरेंज करके रखना किसी कंप्यूटर में, मतलब केमिस्ट्री का वर्कशीट का फोल्डर अलग बना लेना, मैथ्स का अलग बना लेना, फिजिक्स का अलग बना लेना और बाकी जो बुकलेट्स है उसका फोल्डर अलग बना के रखना ताकि कभी भी फाइल देखना हो तो फटाक से फाइल को देख पाए, तो वर्कशीट का फोल्डर अलग से बना के रखना उसको थोड़ा अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करना, उससे तुम्हारा जो लेवल है कंसेप्ट का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जो वर्कशीट अभी तक मिला है तुम लोगों को 6-7 केमिस्ट्री में या मैथ्स में या फिजिक्स में इन सबको ट्राई करना है, उसके अलावा कुछ ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क दे रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लेना, 2 ट्राई कर लेना, 3, 4, 5 ट्राई कर लेना, एट 9 10 11 कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन छोड़ा ना, 9 चलो 15 क्वेश्चन देंगे उससे ज्यादा नहीं दे रहे, पिछले एक्सरसाइज का ही तो रिपीटेड क्वेश्चन सब इसमें बहुत सारा, हाँ जानबूझ के रिपीटेड क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि लोग दोबारा उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है एग्जैक्टली रिपीटेड नहीं है बट कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में होंगे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करने ही चाहिए, कम से कम 2 बार सॉल्व करने चाहिए, लोग लेकिन लोग करते नहीं है, दिक्कत है। 15 के बाद अभी एक्चुअल में 12th में हुआ था, जब 12th क्लास का रिविजन क्लास चल रहा था तो हम लोगों के रिविजन क्लास में टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन मतलब बुकलेट के क्वेश्चन उठा उठा के डाल रहे थे और उसमें भी लोग गलती कर रहे थे, उसमें लोगों को डाउट हो रहा था, तो हम लोगों से एक ही चीज़ बोले थे कि तुम्हारे बुकलेट का सवाल है बट तुमको ये नहीं मालूम, मतलब 2 साल तुम लोगों ने बुकलेट नहीं सॉल्व किया बेसिकली, तो इसलिए तुम लोगों का नंबर खराब है,
क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस नहीं करते, लोग लगते हैं कि हम पढ़ा देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे पढ़ाने से तुम्हारा काम नहीं होता, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हारा काम होता है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करो तुम्हारा हाथ चलेगा, तुम्हारा दिमाग चलेगा एग्जाम में, मेरे दिमाग चलाने से तुम्हारा दिमाग चलने लग गया तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर एक आदमी जो सबसे तेज है, जो पढ़ा रहा है सबसे अच्छा, उसी का सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा ध्यान रखने का है। ठीक है चलो, इतने क्वेश्चन ट्राई करना 17 तक, जिसमें दो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ रखा है, उन दोनों को रेजोनेंस वाले पार्ट को ट्राई नहीं करना और बॉन्ड ऑर्डर को ट्राई नहीं करना है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये हम लोग रेजोनेंस के बाकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर पाएंगे, जिसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी हम लोग इसी से डिस्कशन नहीं कर रहे। चलो भाई आज के लिए इतना ही, क्लास नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।